आम का सीजन हो और आम के सीजन में हम हर घरों में आम का अचार ज़रूर बनाते हैं। आज हम आपके लिए एक नए तरीके से आम का अचार की रेसिपी शेयर करेंगे, जिसे आप बनाकर सालों साल खाएं बिना केमिकल डाले। आम के अचार को शीशे के जार में रखकर साल भर तक इसे यूज़ करें। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाना हमारे साथ। बाज़ार से हमने 1 किलो आम लेकर छोटे छोटे पीस में अचार के लिए कट करवा लिए। एक बर्तन में आम को धुलकर गिठली निकाल के रख लिया है। 2 चम्मच नमक ऐड करते हैं। आम में 2 चम्मच हल्दी को ऐड करते हैं। आम में हल्दी नमक को अच्छे से मिला देते हैं, ढक कर रख देते हैं रात भर। आम में हल्दी नमक लगाकर रात भर ढक कर रख दिया था, अच्छे से पानी निकल गया है। इसे थाली में फैला लेते हैं। आम को धूप में रखकर 2 घंटे सुखा लेते हैं। पैन में 4 चम्मच सौंफ ऐड करते हैं। 2 चम्मच जीरा ऐड करते हैं। 4 चम्मच राई ऐड करते हैं। 2 चम्मच मेथी ऐड करते हैं। 8 लाल मिर्च ऐड करते हैं। सभी मसालों को धीमी आंच पर बराबर चलाते हुए भून लेते हैं। मसालों को हमने बराबर चलाते हुए अच्छे से भून लिया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसे प्लेट में निकाल लेते हैं, ठंडा होने के लिए किनारे रख देते हैं। पैन को गर्म कर लिया है। 1 बाउल तेल ऐड करते हैं सरसों का। 1 बाउल छिले हुए लहसुन 1 बाउल ऐड करते हैं। इसे मीडियम आंच पर बराबर चलाते हुए फ्राई कर लेते हैं। 1 चम्मच हींग ऐड करते हैं, मिक्स कर लेते हैं। लहसुन अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इसे 1 बाउल में निकाल लेते हैं। भुने हुए सभी मसालों को जार में ऐड करते हैं और दरदरा पीस लेते हैं। 1 शीशे के बाउल में 2 चम्मच अजवाइन ऐड करते हैं। 2 चम्मच कलौजी ऐड करते हैं। 3 चम्मच लाल मिर्चा ऐड करते हैं। 2 स्वाद अनुसार नमक को ऐड करते हैं। भुने पिसे अचार के मसाले को ऐड करते हैं। फ्राई किए हुए लहसुन को तेल के साथ ऐड करते हैं मसालों में। मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 2 चम्मच सिरका ऐड करते हैं। सिरका डालने से अचार लंबे समय तक ख़राब नहीं होता है, इससे अचार में टेस्ट अच्छा आता है। आम को मसाले में ऐड करते हैं। आम में मसाले को अच्छे से मिला लेते हैं ऊपर नीचे, जिससे मसाला अच्छे से लग जाए। आम का अचार बनकर तैयार हो गया है। मसाले अच्छे से लग गए हैं आम में, इसे जार में ऐड करते हैं। आम के अचार में सरसों का तेल डालकर रखें, इसे लंबे समय तक ख़राब नहीं होता। आम का अचार बनकर तैयार है। इसे हमने जार में रख लिया है। आप इसे 1 साल तक रख कर खा सकते हैं।